इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वो शख्स उस क्लिप के ऊपर लगे तीन डायमंड से एक बीच वाले डायमंड पर टैप करता है, जिससे उस व्हाइट डायमंड से रेड लाइट चमकने लगती है, जिसे देखकर वो शख्स उस हेयर क्लिप को पाने होठों के पास लेकर उसमें कुछ कहता है और उस हेयर क्लिप में मौजूद लेफ्ट साइड के हीरे को प्रेस कर देता है, जिससे उसने अभी जो कुछ भी कहा था वो मैसेज दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में डिलीवर हो जाएगा। ये करके वो शख्स खुद से ही कहता है अब जल्द ही उन तक ये संदेश पहुंच जाएगा कि सुबह तक उनसे कुछ न कुछ मदद मिल ही जाएगी, फिर मैं आगे के प्लान पर काम स्टार्ट करूंगी। इतना कहकर वो एक देविल मुस्कान के साथ अपने कमरे में एंटर करके बेड पर लेट जाती है और कुछ ही समय में गहरी नींद में चली जाती है। अब आगे अनाया के रूम में इस वक्त कोई नहीं था, करीब रात के 2 बजे अनाया जो इस वक्त बेहोश थी वो अपनी आंखें खोलकर कमरे में इधर उधर देखती है। जब उसको अपने कमरे में कोई नहीं दिखता तो वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो अपने हाथ में लगी ड्रिप की सुइयां निकलती है और फिर धीरे धीरे बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, पर वो बस 2 ही कदम चली होगी कि वो लड़खड़ा कर नीचे गिरने ही वाली थी कि 2 मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जब अनाया उसकी तरफ देखती है जिसने उसे गिरने से बचाया था, तो वो और कोई नहीं बल्कि अयान था, जिसके चेहरे में इस वक्त उसकी बेहद फिक्र दिख रही थी। अयान अनाया अपने गोद में उठाकर उसको डांटते हुए कहता है, बेबी तुम अभी ठीक नहीं हो गई हो और तुम बेड से उठी क्यों, मुझे बुला लेती। उसको शांत करते हुए अयाना कहती है, आर यू रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है बस इसलिए, और यह पर तुम नहीं थे। अयान उसकी बात बीच में रोकते हुए कहता है, इसलिए तुम अकेली ही इस हालत में बेड से उठकर खुद ही जा रही थी, मुझे कॉल करती ना या आवाज देती मैं आ जाता, मैं बालकनी में जो था। उसकी बात पर अयाना कहती है, अब मुझे ऐसे डांटते ही रहोगे या फिर वॉशरूम में लेके जाओगे। उसकी बात पर अयान मुंह बनाते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अयान, अयाना और देवांश मोरे आमने सामने बैठे थे। अयाना उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, तो तुम लोगों के मुताबिक ये वही इंसान है जो मुझसे गद्दारी कर रहा है, जिस पर वो दोनों अपना सरहा में हिला देते हैं। अयाना कहती है, ठीक है पर अब इसे रंगे हाथ पकड़ना है, और अगर ये मुझे मरना चाहती है तो ये जरूर कुछ न कुछ ऐसा करेगी जिससे ये फंसेगी। तब तक मुझे होश आया है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलाना चाहिए। उसकी बात पर वो दोनों अपना सरहा में हिलाते हैं। वही कुछ देर बातें करने के बाद देवांश वहां से चला जाता है। अयान अयाना के साथ ही बेड पर लेट जाता है। अयाना को दवाई की वजह से जल्दी नींद आ जाती है। अयान भी उसको हग कर हुए कुछ देर में सो जाता है। ब्लू हेवन होटल ऑस्ट्रेलिया। ब्लू हेवन ऑस्ट्रेलिया के लुक्यूरियस रूम में सुरभि इस वक्त गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और एक शख्स अंदर आता है। रूम में एंटर होते ही उस शख्स की नजरें सीधा सुकून की नींद सो रही सुरभि पर जाती है, जिसे देखते ही उस शख्स के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। साथ में उस इंसान की आंखें मैं कुछ और ही दिख रहा था। वो शख्स रूम को लॉक कर धीरे धीरे सुरभि की तरफ बढ़ जाता है। वो शख्स सुरभि के पास उसके बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर उसके चेहरे को निहारने के बाद वो शख्स सुरभि के ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर पागलों की तरह उसके होठों को चूसने लगता है। सुरभि को जब किसके वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। सुरभि को अपने होठों पर किसी के होठों का यश होता है। साथ में कोई शख्स इस वक्त उसके ऊपर लेटकर पागलों की तरह उसे किस कर रहा था, जिसे देखकर सुरभि को इस शख्स और बेहद गुस्सा आने लगता है जो कि उसके सोने जा फायदा उठा रहा है। सुरभि उस इंसान को खुद से दूर करने ही वाली थी कि तभी उसको उस शख्स का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो भी उस शख्स को किस में साथ देने लगती है। इस वक्त उसके दोनों हाथ उस शख्स के बालों को सहला रहे थे और दोनों ही एक दूसरे को पेशेंटली किस कर रहे थे। इंडिया आरुषि का रूम। आरुषि इस वक्त अपने बालों को ड्रायर से ड्राई कर रही थी कि तभी उसे अपने कमर पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास होता है, जिस उसका ध्यान अपने सामने की मिरर पर जाता है। उसे खुद को पीछे से पकड़े हुए एक हैंडसम चेहरा देखता है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए उस चेहरे में खो ही जाती है। वही वो शख्स जब आरुषि को खुद को ऐसे देखता देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है। वो अपने हाथ की
पकड़ आरुषि की कमर पर कस देता है और एक हाथ से आरुषि के बाल साइड कर देता है और उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है। अपने कंधे पर किसी के होठों का एहसास और कमर पर किसी टाइट पकड़ महसूस होते ही आरुषि अपने होश में आती है। वो उस शख्स को खुद से दूर करते हुए उसके सामने खड़ी होकर उसकी कॉलर को अपने फोन हाथों में पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने करके गुस्से से लाल हुए चेहरे के साथ उससे कहती है, कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एक मिनट तुम ये पर आए कैसे? आरुषि अपनी पकड़ मजबूत करके उस शख्स के आंखों में आंखें डालकर देखती हुए कहती है, बोलो तुम ये पर कैसे आए और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह चुने कि उसका अंजाम जानते हो क्या? अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? वो शख्स बस एक तक आरुषि के गुस्से से लाल और उसके हिलते हुए लाल होठों को देख रहा था जो इसके अंदर के शैतान को जगा रहे थे। उसे अपने आप पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बिना आरुषि की किसी बात सुने बिना उसे कुछ जवाब दिए अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ उसके सर के नीचे रखकर उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लेकर उसके हिलते हुए होठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है और उसके होठों को चूसने लगता है। वही आरुषि उस शख्स की इस हरकत से अपनी जगह पर जम जाती है, पर अपने होठों और हो रही हरकत से वो होश में आती है और उस शख्स को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर वो उस शख्स को खुद से थोड़ा भी दूर कर ही नहीं पा रही थी, जिस उसे अब खुद और ही बेहद गुस्सा आ रहा था। आज उसके साथ ये दो बार हुआ था। पहले थोड़ी देर पहले उसके बर्थडे पार्टी में एक अनजान इंसान ने उसका फायदा उठाया था और अब ये तभी यूजिंग में कुछ क्लिक होता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही उस शख्स का ध्यान आरुषि के चेहरे के हर पल बदलते एक्सप्रेशन पर ही थे। वो जब उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखता है तो उसे समझ आता है को आरुषि उसे पहचान गई है, तो वो अपने होठों को उसके होठों से हटाकर उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, जान आपको काफी देर लगी मुझे पहचाने को, तो चलो अब तुमको पता ही चल गया कि मैं वही हूँ जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हारे इस खूबसूरत होठों को चूमा था, तो अब मैं तुमको तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ जो तुमने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे। आरुषि खुद की उखड़त सांस को कंट्रोल करते हुए उसकी तरफ देखती है। वो शख्स आरुषि को लेकर वही रखे सोफे पर बैठ जाता है। आरुषि उस वक्त उसके गोद में थी, वो उससे दूर जाने का प्रयास कर रही थी, पर यह शख्स की पकड़ उसके ऊपर इतनी टाइट थी कि वो उसको खुद से दूर ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अंत में कोशिश करना बंद कर देती है और उस शख्स के चेहरे की देखने लगती है जैसे वो अपने सवालों का जवाब मांग रही हो। उसको अपनी तरफ देखते देख वो शख्स उसके गाल पर अपने होठों को रख देता है और फिर कहता है, जान तुमरा पहला सवाल कौन हूँ मैं? तो उसका जवाब है, कई एक लड़का हूँ, और दूसरा सवाल, मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा हूँ? तो उसका जवाब ये रहा है। इतना कहकर वो फिर से आरुषि के होती को अपने गिरफ्त में लेता है और लगभग 20 मिनट बाद छोड़ता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, तो अब आपको आपके दो सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे और बाकी का मैं देना नहीं चाहता। आरुषि को उस शख्स की बातें सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो इस वक्त उस शख्स की गिरफ्त में थी और वो शख्स अपनी मनमानी कर रहा था। आरुषि इस समय खुद को बेहद बेबस समझ रही थी, को दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती थी, किसी की उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। आज वो एक अनजान शख्स के सामने बेबस थी जिसके बारे में उसकी कुछ भी पता नहीं था। वही वो शख्स आरुषि को ऐसे बेबस देखकर बेहद खुश हो रहा था। वो खुद के मन में ही कहता है, आरुषि राजावत तुम को बेहद शौक है ना ना दूसरों को अपने उंगलियों पर नचाने का, तो अब देखो तुमको कैसे अपनी उंगलियों पर नाचता हूँ, और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी अब मेरे हाथ में। इतना कहकर वो शख्स आरुषि के होठों पर अपने होंठ रख देता है। आरुषि भी कब तक अस सजा को खुद से दूर करती, वो भी एक इंसान थी, उसकी भी कुछ जरूरतें थी और उसे पहले ही नजर में वो शख्स पसंद आ गया था, इसलिए वो अब तक इतनी शांत थी, नहीं तो आरुषि के इलाके में आकर कोई उसके साथ ऐसा बिहेव करता तो वो अब तक जिंदा नहीं बचता। वही वो शख्स जब आरुषि को किस में साथ देता देखकर अपनी किस को एक पैशनेट किस में बदल देता है। कुछ ही समय मैं दोनों ही आरुषि के बेड पर थे और उनके कपड़े जमीन पर पड़े थे। वो शख्स आरुषि को काफी देर तक किस करने
के बाद उससे थोड़ा दूर होकर उसकी आंखें में देखते हुए कहता है, जान तुम तैयार हो हमारी बिना शादी की सुहागरात के लिए। उसके ऐसा कहते हैं आरुषि अपनी पलकें झुकाकर उसको आगे बढ़ने की सहमति देती है। उसकी सहमति मिलने के बाद वो शख्स उसके होठों पर अपने होंठ रखकर एक झटके के साथ उसी अंदर एंटर होता है, जिस आरुषि की चीख निकल जाती है। उसे बेहद दर्द हो रहा था, ये उसका पहली बार था। उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, उसकी चीख उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। वही वो शख्स बिना आरुषि की दर्द की परवाह किए अपने आप को मूव कर रहा था। लगभग 4 घंटे बाद वो आरुषि को छोड़ देता है और उसके बगल में लेट जाता है। आरुषि इतना थक गई थी कि वो कुछ समय में ही सो गई थी। वही वो शख्स उसके चेहरे को देखता गई जो बेहद थका हुआ दिख रहा था और उस पर दर्द भी दिख रहा था, पर उस चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। आरुषि का वो सुकून इस शख्स को रास नहीं आ रहा था। वो उसके चेहरे को देखकर खुद से ही कहता है, आरुषि मित्तल बेहद शोक है ना तुमको और तुम्हारे उस बाप को। दूसरी की जिंदगी बर्बाद करने का, लड़कियों को बेचने का बिजनेस करते हो ना तुम लोग। अब देखो तुम दोनों की ऐसी हालात करूंगा कि किसी को भी अपना ये चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इतना कहकर वो शख्स शैतानी हंसी हंसने लगता है। वही उस शख्स का फोन बजता है, अननोन नंबर था, जिसे देखकर वो शख्स उस कॉल को रिसीव कर देता है। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज आती है जो कह रहा था कि समय कहाँ पर हो तुम, जल्दी यहाँ पर आओ, उसकी हालत बेहद खराब हो गई है, अब उसको तुम ही संभाल सकते हो। उसने इतना ही कहा था कि वो इंसान कॉल कट करके बेड से उठकर अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से चला जाता है। वो एक बार भी मुड़कर आरुषि की तरफ नहीं देखता। वही इस सबसे अनजान आरुषि सुकून की नींद सो रही थी। उस अनजान शख्स के कमरे से जाते ही कुछ समय बाद आरुषि अपनी आंखें खोल देती है। उसको अपनी पूरी बॉडी में बेहद दर्द हो रहा था, खासकर उसकी लोअर बॉडी में। आरुषि बेड की दूरी साइड देखती है तो इस वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है, जिस उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखी जा सकती थी। वो रूम में इधर उधर देखती है तो उसे रूम में कोई नजर नहीं आता, तो वो समझ जाती है कि वो अनजान शख्स जिसके साथ उसने राय बिताई थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी, पर उसने ऐसा कुछ तो खास था जिस स्त्री चलते आरुषि राजावत ने अपनी सारी हदें तोड़ डाली थी। आरुषि बेड पर उठकर बैठ जाती है और एक तक सामने की दीवार को देखते हुए कहती है, तुम जो भी हो हैंडसम बॉय, आज से तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ आरुषि राजावत के। इतना कहकर वो बिना अपने दर्द की प्रवाह करे बेड से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। गर्म पानी से शावर लेने के बाद उसको थोड़ा बेहतर लगता है। उसके बाद वो बाथरोब पहनकर रूम में आती है तो उसकी नजर अपने बेड पर जाती है जो अस्त व्यस्त था और बेडशीट पर खून के धब्बे थे, जिसे देखकर उसके गाल और कान लाल हो जाते है। वो बेडशीट चेंज करके बेड पर लेट जाती है और कुछ ही मिनट में वो चैन की नींद सो जाती है। वही दूसरी तरफ वो अनजान शख्स आरुषि के कमरे से निकलकर सीधा एक बड़ी सी सोसाइटी के आगे आकर खड़ा होता है, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा था एएम सोसाइटी, जिसकी सिक्योरिटी बेहद हाई थी। वहां कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता था। वो इंडिया की सबसे सेफ सोसाइटी के नाम से मशहूर थी, पर आज तक वहां पर कोई भी अपना घर नहीं ले पाया था, शिवाय अनाया के कुछ खास बारिशमंद साथियों के, शिवाय जीने अनाया ने खुद वहां पर रहने की इजाजत दी थी। वो शख्स एक नजर उस सोसाइटी को देखता है, फिर गेट पर सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर चला जाता है। वो इस सोसाइटी के एक विला के अंदर चला जाता है। उस विला के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था मानस विला। उस विला में एंटर करते ही एक आदमी जो परेशानी से हॉल में इधर से उधर घूम रहा था, उसकी नजर जब इस शख्स पर जाती है तो वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसका सेकंड फ्लोर पर लेके जाने लगता है और साथ में उससे कह रहा था, भाई आप कहा थे आपको इतनी देर कैसी हुई आने को, आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हो ना, आप अगर उसे नहीं दिखते तो वो सारा घर सर पर लेती है, अब जल्दी से चलो, उसने कुछ भी नहीं कहा है। वो शख्स उस आदमी की बातें सुन रहा था और बिना कुछ कहे उसके साथ जा रहा था, पर अजीज ही वो सुनता है उसने खाना नहीं खाया, तो वो उस शख्स का हाथ छोड़कर जल्दी से सेकंड फ्लोर पर बने एक रूम के अंदर चला जाता है। वहां जाकर उस रूम का नजारा देखता है तो वो अपनी जगह पर जम जाता है, और कुछ ऐसा ही हाल उसके पूछे आए लड़के का था जो उस शख्स को भाई कह रहा था।
वहीं दूसरी तरफ गोल्डन इलैंड यानी कि अयाना का प्राइवेट आइलैंड में सुबह का वक्त सब इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। किसी का भी नाश्ता करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि अनाया को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा तो था कि वो खतरे से बाहर हैं पर उनकी होश में आने में टाइम लग सकता है, जिस से सब अनाया खतरे से बाहर है सुनकर खुश भी थे और उसको होश में आने में टाइम लगेगा सुनकर दुखी भी थे। अयान और कुश के समझने और सभी नाश्ता करने बैठे थे, वहीं हर्षवर्धन की बिगड़ती शहद को देखकर अयान ने उनको अयाना के होश में आने के बारे पता दिया था और उसको होश में आ गया है ये बात क्यों सबसे छुपाई है ये भी बता दिया था। इससे बाद उनकी हालत में कुछ सुधार आया था। थोड़े समय बाद हर्षवर्धन जी अनाया के रूम में थे, उनके साथ ही देवांश, अयान और कुश भी वहां मौजूद थे। कुश को भी अयाना के होश में आने के बारे में अयान ने बता दिया था। वो फाइव जान अयाना के रूम में बैठे थे। उन पांचों के चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद ही सीरियस थे। इस रूम कई गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटा को तोड़ते हुए हर्षवर्धन जी उन चारों की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे तो इस बात पर भी विश्वास भाई होता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। उनकी बात पर कुछ कहता है, छोटे पापा वो जैसा दिखती है वैसे नहीं है, वो बेहद ही चालक है, उससे कुछ भी निकलना बेहद मुश्किल था। उसके साथ प्यार का नाटक करने का भी अब मुझे कुछ भी फायदा नहीं दिखाई देता। अब मुझे वो अच्छी लगने लगी थी पर जब से उसकी सच्चाई पता चला गई है अब मुझे उससे बेपनाह नफरत होने लगी है। अयान कुश के कंधे पर हाथ रखकर उसको सत्वना देता है। उसके बाद वो सबकी तरफ देखकर कहता है, जो भी हो अब हमें उसकी सच्चाई पता चल गई है और वो हमारे ही बीच है, उस वक्त तो हम सबको बेहद सावधानी से काम लेना होगा। उसको उस बात की जरा भी खबर नहीं होनी चाहिए कि हमको उसके बारे में पता लग गया है। खासकर कुश, तुम उसके साथ वैसा ही रहोगे जैसा पहले रहते हो। अयान की बात पर सब सहमति जताते हैं। अयाना देवांश से कहती है, देवांश विवान और रोहन का क्या, वो कैसे है अब। उसकी बात पर देवांश अनाया से कहता है, बॉस वो दोनों ही ठीक है, सुबह ही उनको होश आ गया है और उनके एक्सीडेंट के पीछे भी उसका हाथ है। उन लोगों को उसकी सच्चाई पहले से ही पता लग चुकी थी और वो दोनों आपको ही बताने आ रहे थे कि तभी उसने उनका एक्सीडेंट करवा दिया, वही अब वो ये पर है। तो उसे इस बात के आर में नहीं पता कि उन दोनों को होश आया है, उसने तो उन दोनों को कभी भी होश में न आने का सारा इंतजाम करके रहा था, पर आपने पहले ही हमको उनके बारे में बता दिया जिसके कारण वो दोनों अब सेफ जगह पर है। जिस जगह पर है उसके बारे में सिर्फ आप और मैं जानता हूँ। अयान उन दोनों की ठीक होने की बात पर राहत की सांस लेती है। उसके बाद वो अपने डैड की तरफ देख कर कहती है, डैड आपको कुछ बताना है। हर्षवर्धन जी अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं, क्या बताना है प्रिंसेस। अनाया अपने डैड और उस रूम में मौजूद सबकी तरफ एक नजर देखती है, फिर अपने डैड के हाथी को अपने हाथ में लेकर उनकी तरफ देखकर कहती है, डैड मॉम जिंदा है। उसने इतना ही कहा था कि उस रूम में गहरा सन्नाटा पसर गया, सब उसकी तरफ देखने लगे। अयाना के डैड तो अपनी जगह पर जम ही गए, वो एक तक अपनी बेटी को देख रहे थे और उसने अभी जो उनसे कह वो उनके कान में गूंज रहा था, डैड मॉम जिंदा है। वो अपनी बेटी की तरफ देखकर कहते हैं, प्रिंसेस आप ये क्या कह रही है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने इन हाथों से, अपने हाथों को दिखते हुए कहते हैं, मैंने अपने इन हाथों से राशि का अंतिम संस्कार किया था, वो जिंदा कैसे हो सकती है, उसने मेरे सामने दम तोड़ा था। ये सब कहते हुए उनके आंखों नाम हो गई थी। अयाना अपने डैड के हाथी को अपने हाथ में लेकर उनके हाथों को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहती है, डैड मुझे ज्यादा कुछ पता तो नहीं है पर मॉम जिंदा है, मुझे वो 3 साल पहले मिली थी, मेरे कार के सामने आई थी, मैं उनको लेकर हॉस्पिटल गई थी, उनके शरीर और चेहरे पर काफी घाव थे जिस से उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अनवर हॉस्पिटल में भी अटैक हुआ था और मुझे उनसे अपनेपन का एहसास हो रहा था, इसलिए मैं उनको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेकर आई थी और एक महीने बाद जब उनके घाव भरने लगे और उनका चेहरा सामने आया तो मैं एक पल के लिए शोक ही हो गई थी, पर जो ही मेरी मॉम है ये पता लगाने के लिए उनका वो मेरा डीएनए टेस्ट किया तो वो मैच हो रहा था, जिससे ये साबित होता है कि वो मेरी मॉम है। उस दिन से वो हमारे साथ व्हाइट मैंशन में ही थी, वो पिछले 3 साल से कम में है, अभी तक उनको होश नहीं आया और नहीं उनके बॉडी में कुछ मूवमेंट हुई है।
अनाया की बातें सुनकर उस रूम में मौजूद हर कोई शोक में था, सिर्फ देवांश को छोड़कर, क्योंकि उसको इस बारे में पहले से ही पता था। हर्षवर्धन जी अपनी बेटी के बात सुनकर उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तुम सच कह रही हो प्रिंसेस, मेरी राशि जिंदा है। अयाना बस अपना सर हां में हिलाती है तो हर्षवर्धन जी अपनी बेटी का हाथ टाइट पकड़कर उससे अपनी नम आंखों से देखते हुए कहते हैं, प्रिंसेस मुझे राशि से मिलना है, मुझे उसके पास ले चलो। कुछ भी अयाना के सामने आकर घुटनों पर बैठकर उसके हाथों को, जिसने हर्षवर्धन जी ने पकड़ा था, उस पर हाथ रखकर अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, प्रिंसेस मुझे भी छोटी मॉम से मिलना है, प्लीज मुझे भी उनसे मिलाओ। उन दोनों को देखकर अयाना की आंखें भी नम हो जाती है, वो बस अपना सर हमें हिलाती है, जिससे वह मौजूद सब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अयाना देवांश की तरफ देखकर कहती है, देवांश मॉम कहाँ पर है? उसकी बात पर देवांश कहता है, बॉस वो यही इसी मेंशन में है। अनाया आगे कुछ कहती उससे पहले उनको अनाया के रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, जिससे सब शांत हो जाते हैं। अनाया अपने लैपटॉप पर कुछ करती है तो उसके सामने उसके रूम के बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिखती है, जहां पर उसको मायरा दिखती है, जो कि उसके रूम के डोर के पास खड़ी होकर डोर को ही घूर रही थी। वही अनाया कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसकी आंखें लाल हो जाती है, और उस रूम में मौजूद बाकी सबका हाल भी कुछ अनाया की तरह ही था। सब लैपटॉप में अनाया के रूम के बाहर की सीसीटीवी देख रहे थे, जहां मायरा अनाया के रूम के बाहर खड़ी थी और वो उस रूम को एक टक घूर रही थी। उसके आंखों में कुछ अजीब ही दिखाई दे रहा था। वो धीरे डोर खोलने के लिए आगे आती और कुछ सोचकर फिर से डोर से दूर जाती। यही सब वो काफी देर से कर रही थी। वही उसी के कुछ दूरी पर सियाजी यानी कि अनाया को चाची और लव की मॉम वो मायरा की सारी हरकतें देख रही थी। इस वक्त उनके चेहरे पर कुछ अजीब से ही एक्सप्रेशन थे। सीसीटीवी में वो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा अनाया के रूम के सामने लगाया गया था, जिसमें बस मायरा ही दिखाई दे रही थी। सियाजी थोड़ी दूरी और होने के कारण वो दिखाई नहीं दे रही थी और न ही उनके चेहरे के वो अजीब से एक्सप्रेशन। वही अनाया देवांश कुशायन और हर्षवर्धन जी को मायरा को देखते ही गुस्सा आने लगता है। अनाया की गुस्से की वजह से आंखें लाल हो गई थी। कुछ ऐसा सच था जी अब तक अनाया ने किसी को नहीं बताया था। मायरा को देखते ही अनाया के सामने उसके एक्सीडेंट कैसे हुआ वो सब अपने आंखों के आगे दिखाई देने लगता है। अनाया अपनी लाल आंखों से लैपटॉप की स्क्रीन को ही घूर रही थी कि तभी उसे मायरा के बालों में ऐसा कुछ दिखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए, जिसे उसके पास बैठे अयान ने नोटिस कर लिया था। कुश का तो मायरा को देखकर ही गुस्सा आने लगा था। भले ही एक टाइम था जहां पर वो उसको पसंद करता था, पर उसने जो उसके बहन के साथ किया है उसके बाद वो इससे बेइंतहा नफरत करने लगा था। वो अपनी जगह से उठकर गुस्से से मायरा की तरफ बढ़ने ही वाला था कि देवांश उसको रोक लेता है और कहता है, कुश सर अभी सही टाइम नहीं है, आप अपने गुस्से में कुछ ऐसा न करिए कि जिससे हमारा ही नुकसान हो। अब भी अच्छे से जानते हो ये सब मायरा अकेले नहीं कर सकती है, उसके पीछे जरूर कोई है जो अंधेरे में छुपा हुआ है। हमको पहले उसके बारे में पाया लगाना होगा। हर्षवर्धन जी भी कुश को समझते हैं, जिससे वो अपना गुस्सा छोड़ देता है और वही बैठ जाता है। उसे भी बात की गंभीरता के बारे में पता था। ये सब जो उनके सामने है, जो दिख रहा गई, उतना आसान नहीं है। सभी एक दूसरे में उलझा हुआ है। वही अनाया लैपटॉप में अपनी नजरें गड़ाए हुए ही देवांश से कहती है, देवांश आइलैंड की सिक्योरिटी बढ़ाओ और हमारे सारे सिक्योरिटी हेड को अलर्ट कर दो। इस आइलैंड के चारों तरफ समुन्दर नई अपने गार्ड तैनात करो। साथ मैं ही आसमान में भी अपनी लेजर सिक्योरिटी एक्टिवेट कर दो, जिससे कोई भी आसमान से इस आइलैंड पर प्रवेश नहीं कर पाए और न ही आइलैंड के ऊपर से कोई प्लेन या चोपर उड़ पाए। उसी के साथ पानी के अंदर की भी हमारी लेजर सिक्योरिटी एक्टिवेट करे, जिससे दुश्मन अगर आइलैंड पर घुसने की कोशिश करे तो पानी के अंदर और ऊपर एक दीवार बन जाए जो उनको अंदर आने से रोक सके। और साथ में ही इस आइलैंड पर जैमर लगा दो, कोई भी किसी भी छोटे से भी डिवाइस से इस आइलैंड के बाहर किसी से कांटेक्ट ना कर सके। उसकी बात पर बिना कोई सवाल उठाए देवांश में अपना सर हिलाता है और अनाया उसको अभी जो भी करने को कहा था वो करने के लिए चला जाता है। वो फ्रंट डोर से नहीं बल्कि अनाया के रूम में, जो दूसरा सीक्रेट डोर था, की
सीधा डार्क मेंशन के बैक साइड में खुलता था। उससे होते हुए वो वहां से चला गया क्योंकि आगे मायरा किसी भटकी हुई आत्मा की तरह अनाया के रूम के आगे भटक रही थी। वही देवांश के वहां से जाते ही हर्षवर्धन जी अपनी बेटी की तरफ देखते हैं को कि एक तक लैपटॉप पर चल रही पूरी डार्क मेंशन की सीसीटीवी चेक कर रही थी। उसे कहते हैं प्रिंसेस क्या हुआ है, सिक्योरिटी बढ़ाने को बोला है तुमने, कोई परेशानी की बात है क्या? कुछ भी कहता है हाँ गुड़िया बताओ क्या हुआ है। अयान अनाया से कोई सवाल नहीं पूछता, वो बस एक तक उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। अयाना अपने डैड और भाई की आवाज से लैपटॉप से अपनी नजरें उठाकर उनकी तरफ देखकर कहती है डैड आप ये फुटेज देखिए, भाई आप भी। इतना कहकर वो उन दोनों को अपने रूम की बाहर की फुटेज दिखती है जिसने मारिया उसके रूम में एंटर करने के कोशिश कर रही थी पर रूम पासवर्ड से लॉक होने के कारण वो उसे खोल ही नहीं पा रही थी। मायरा खुद से ही बड़ा बड़ा रही थी, इस रूम को इतनी हाई सिक्योरिटी से लॉक क्यों किया है, अनाया अपने ही घर में है हा बला कि वो अभी बेहोश है, फिर भी अब मैं क्या करूं, अंदर कैसे जाऊं, डॉक्टर ने तो कहा था कि उसे जल्द ही होश आएगा और मैं ये किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि वो अपने होश में आते, अगर वो होश में होगी तो वो मेरे मकसद के आड़े आ सकती है जिसे मैं हरगिज नहीं होने दे सकती, मुझे कैसे भी उसको वो दवा खिलानी है जिससे वो कभी भी होश में न आए। मायरा ये सब बोल ही रही थी, इन सब से अनजान की अनाया कुछ अयान और हर्षवर्धन जी उसकी हरकतें देख भी रहे थे और वो जो बड़बड़ा रही थी वो अच्छे से सुन भी रहे थे, जिसे सुनकर कुछ अयान और हर्षवर्धन जी की हाथ की मुट्ठी कस गई थी। अगर उनके बस में होता तो वो अभी इस मायरा को जान से मारते, हर्षवर्धन जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, इतने सालों से वो अपने घर में एक नाग को दूध पिला रहे थे जो अब उनके अपनों को ही डसने की कोशिश कर रहा है। अनाया उन तीनों की मानसिस्थिति समझ रही थी, कुछ ऐसी ही उसकी थी जब उसने मायरा का असली रूप देखा था, तब उसकी हो गई थी। उसने जिसे अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया वो ही उसकी पीठ में खंजर खोफ रही थी जो कि एक मुखवटा पहने उसके साथ थी। उसका मकसद कुछ और ही था, वो उसके साथ उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड बने हुए थी, वो ही उसे मरना चाहती है जिसने कभी खुद की जान पर खेलकर उसे बचाया था, शायद वो सब उसका दिखावा था अयाना का और उसके परिवार जा विश्वास हासिल करने के लिए। वही कुछ तो मायरा की बातें सुनकर उसे अब खुद से ही नफरत होने लगी थी कि वो मायरा जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है, वो तो अच्छा हुआ उसने उससे शादी नहीं की थी, वक्त रहते ही अनाया ने उसको रोक लिया था, वो बस मायरा का असली मकसद पता लगाने के लिए उससे झूठी शादी का नाटक कर रहा था और वो उस दिन जानबूझकर उसके इतने पास गया था, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, मायरा बेहद ही चालक थी। अयाना उन सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए आगे कहती है आप सबको तो पता ही है इस वक्त हम कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है और न ही हमको कोई ट्रैक कर सकता है, पर आप लोगों ने मायरा के बालों में वो हेयर लिन देखी क्या, उसे गौर से देखो, उसे गौर से देखने पर आसानी से पता चल जाता है कि वो कोई मामूली सी हेयर पिन नहीं है। उसी हेयरपिन की मदद से वो अपने साथी से कॉन्टेक्ट करती है और मैं गलत नहीं हो तो उसने अपने सिग्नल अब तक उसके साथी के पास भेज दिया होगा, उसको हमारे बारे में जल्द ही पता चल सकता है। अनाया की बातें सुनकर उन तीनों के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। इतनी देर से शांत बैठा अयान कहता है इसका मतलब हम पर जल्द ही हमला होने वाला है। उसकी बात सुनकर अयाना कहती है मे बी। वो तीनों ही कुछ देर ऐसी ही बातें करते हैं, आगे कैसे क्या करना है उस बारे में। वही उस रूम के बाहर खड़ी मायरा जब उसको वो डोर नहीं खुला तो वो वहां से गुस्से से अपने रूम में जा चुकी थी। वही उसकी हर हरकत पर नजर रखी हुई सियाजी भी उसके वहां से जाते ही अपने कमरे में चली जाती है। वो अपना फोन निकल कर किसी को कॉल करने लगती है पर उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं शो हो रहा था, जिससे वो जल्ला जाती है। वो खुद से ही कहती है अभी थोड़ी देर पहले तो नेटवर्क था, अब अचानक क्या हुआ, शायद बाहर नेटवर्क मिल जाते, मुझे कैसे भी उस तक ये खबर पहुंचनी होगी, कुछ भी करके कोई गड़बड़ होने से पहले, नहीं तो इतनी साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बड़बड़ते हुए वो बालकनी में चली गई, वहां भी नेटवर्क नहीं था इसलिए वो नेटवर्क के लिए पूरे डार्क मेंशन में गुम रही थी। वही दूसरी तरफ सुरभि राजावत के साथ मैं जो अनजान शख्स था वो और कोई नहीं बाकी हर्षवर्धन जी के पुराने
दोस्त कुलदीप का बेटा था जिसने जी मित्तल परिवार इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है इस बारे में सुरभि को बताया था। इसका नाम डेविड था जो कि सुरभि का सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। डेविड अपने डैड के साथ मिलकर डेविल गैंग को संभालता था। सबके लिए कुलदीप ही डेविल गैंग का लीडर था, पर बेहद कम लोग जानते थे कि डेविल गैंग का असली लीडर डेविड है जो कि कुलदीप का बड़ा बेटा है, जो कि इंडिया हो या अब ऑस्ट्रेलिया में जो भी इलीगल काम होते थे उसमें उसका हाथ होता था। उसी के साथ डेविड एक बेहद बड़ी कंपनी का ओनर था। उसकी कंपनी इंडिया में टॉप 5 में आती थी। उसका बस एक ही मकसद था, उसे कैसे भी करके अपनी सबसे बड़ी दुश्मन क्वीन को अपने रास्ते से हटाना, जिसकी वेजेस आज तक उसका करोड़ों का नुकसान हुआ था। पर पिछले 3 साल से क्वीन अंडरग्राउंड हो गई थी, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ये अफवाह भी फैल गई थी कि क्वीन को उसके दुश्मन ने धोखे से मार डाला, इसलिए पिछले 3 साल से व्हाइट एंजल गैंग गायब है। वही इस वक्त डेविड सुरभि के साथ अपने किसी खास मकसद के लिए जुड़ा है। वही वो सुरभि की मदद भी बस उसी मकसद के लिए कर रहा था। वही कुलदीप डेविड का पिता वही है जिसने अनाया की मॉम को 15 सालों से कैद में रखा था, और वो अभी मित्तल परिवार के करीब भी इसलिए आया था कि वो राशि मित्तल यानी अनाया की मॉम को मार सके और हर्षवर्धन और राशि से अपना बदला ले सके। वही कुलदीप ने क्या अनाया के मॉम को किडनैप किया था, वो उन्हें 15 सालों से क्या टॉर्चर कर रहा था, और उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते के आड़े खेल खेल रहा था, ये हम सब आगे कहानी में जानेंगे। सुरभि और डेविड इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के एक सबसे महंगे रेस्टोरेंट में प्राइवेट रूम में बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद दोनों ही वहां से सुरभि जिस होटल में ठहरी उस रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद डेविड सीधा सुरभि को पकड़कर उसे पैशनेटली किस किए जा रहा था, और सुरभि उसमें उसका साथ दे रही थी। किस करते करते दोनों ही बेड पर आ जाते हैं। डेविड सुरभि के ऊपर पागलों की तरह उसको किस किए जा रहा था। वो लोग आगे बढ़ते उससे पहले ही सुरभि के मोबाइल में रेड लाइट चमकने लगती है, साथ में एक अजीब सी आवाज आने लगती है जो कि उसने किसी खास के मैसेज के लिए सेट की थी। सुरभि डेविड को खुद से अलग करके अपना फोन उठा लेती है और दूसरी तरफ से आया हुआ मैसेज पढ़ती है। उसके फोन पर एक वॉइस नोट आया था, पर पता नहीं किस वजह से हो कर्प दिखा रहा था, पर उसी के साथ एक रिटन मैसेज भी था जिसके खतरा लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर वो इतना तो समझ गई थी कि जिसने भी उसको ये भेजा था वो खतरे में है। ये पता चलते ही उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगती है। डेविड सुरभि को पीछे से अपनी बाहों में लेकर उसके गले पर किस करते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी, एनीथिंग सीरियस। सुरभि को अपने ही सोच में गुम थी, वो डेविड के आवाज से होश में आती है और उसकी तरफ पलट कर कहती है, डेविड तुमको तो है ना, वो उस मित्तल फैमिली के बीच में है, उसी का मैसेज आया है। वो कुछ बताना चाहती थी पर पता नहीं कैसे वो वीडियो मैसेज ओपन ही नहीं हो रहा था, और मुझे नहीं लगता वो ओपन होगा भी या नहीं, पर उसने मुझे जो टेक्स्ट किया उससे यही लग रहा है कि वो खतरे में है। हमें जल्द से कुछ करना होगा, तुम एक काम करो, मित्तल परिवार इस वक्त कहां पर छुपा है किसके बारे में पता लगाओ। सुरभि की बात की सीरियसनेस को समझकर वो सुरभि के माथे पर किस करके कहता है, परेशान मत हो बेबी, मैं अभी अपने आदमियों को उनके बारे में पता लगाने को कहता हूँ। वही दूसरी तरफ डार्क मेंशन के अंदर अनाया इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। उसकी चोटें अब पहले से काफी बेहतर थी, उसके पास खुद को हिल करने की पावर थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी रिकवर कर रही थी। अनाया अपनी बालकनी से आसमान में एक तक चांद को देख रही थी। अनाया जैसे जैसे चांद को देख रही थी वैसे वैसे उसे अपने शरीर में एक अलग ही प्रकार की शक्तियों का एहसास हो रहा था, जिसे महसूस करके वो अपनी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलकर चांद की तरफ देखती है तो उसे अपने सामने के चांद में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है, पर अगले ही पल नॉर्मल हो जाती है। वो खुद से ही कहती है, सो अब ऐसा छुपने का कोई फायदा नहीं, अब अपने दुश्मनों से उनके बीच जाकर ही लड़ना होगा, और अब बस 45 दिवस बचे है उसके बाद दिव्य तेजस्वी हीरा अपने असली रूप में प्रकट होने वाला है, और उसकी शुद्ध करके मुझे उसे फिर से एक सुरक्षा कवच में बांधना है, जिससे किसी भी भूरी शक्ति के हाथों में वो महादेव के धरोवर जो कि हमारे पूर्वजों ने वर्षों से अपनी जान पर खेलकर बुरी शक्तियों से बचाया है,
वही देवांश ने आइलैंड की चारों तरफ की सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। अब कोई भी बिना अनाया के परमिशन के बिना वह और एंटर नहीं कर सकता था। अयाना हर्षवर्धन जी कुश और अयान इस वक्त उसी आइलैंड पर बने एक सीक्रेट गुफा के अंदर थे जहां पर इस वक्त अनाया की मॉम राशि थी। अनाया उस गुफा में मौजूद अपने सेम के सीक्रेट डोर को अनलॉक करती है और उन तीनों के साथ उस रूम में एंटर करती है। उस रूम में एंटर करते ही दवाई यो की स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगी थी। इस गुफा के अंदर का वो रूम बिल्कुल एक हॉस्पिटल वार्ड की तरह लग रहा था। उस रूम में हर एक इक्विपमेंट था जो कि हॉस्पिटल के रूम में मौजूद होता था। बेड पर राशि जी लेटी थी, उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया था, साथ में उनको ड्रिप लगाई थी और उनके पास ही मौजूद एक मॉनिटर पर उनकी हॉट रेट शो हो रही थी। हर्षवर्धन जी अपनी वाइफ को अपने सामने जिंदा देखकर बेहद खुश हो गए थे। उनकी आंखें नम हो गई थी, जिसको वो पिछले 18 सालों से मारा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा थी। वही कुछ भी अपनी छोटी मोम को देखकर बेहद खुश हो गया था। वो अपनी मोम से भी ज्यादा करीब राशि जी से था। वो बेहद छोटा था जब वो उनसे अलग हुआ था। हर्षवर्धन जी अपनी वाइफ के बेड के आपस स्टूल पर बैठ जाते हैं और उनका हाथ अपने हाथ में रखकर एक तक उनको देखने लगते हैं। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी राशि जिंदा उनके सामने है। वही कुछ भी राशि मित्तल के दूसरे साइड स्टूल पर बैठकर उनका दूसरा हाथ अपने हाथ में लिए उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी नाखें इस वक्त नम थी। अनाया और अयान दूर से ही उन दोनों को देख रहे थे। वही अयान ने जब अयाना की मॉम का चेहरा देखा तो उसे वो कुछ जानी पहचानी लगी थी, पर उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। वही अयाना अयान खुश और हर्षवर्धन जी थोड़ी देर वहां रहने के बाद उस रूम से निकलकर उस रूम के साइड के रूम में चले जाते हैं। उस रूम में जाने के बाद अनाया उन सभी को वही लगे सोफे पर बैठने को कहती है और खुद भी उनके सामने बैठ जाती है और उन तीनों को एक नजर देखती है जो कि उसी को देख रहे थे और उसके आगे बोलने का वेट कर रहे थे। अनाया कहती है, भाई डैड आयु, अभी मैं जो भी आप सबसे कहना चाहती हूँ वो सुनकर आपको विश्वास करना मुश्किल जाए, पर वो सच है। डैड आपको तो पता ही होगा मेरा जन्म कब हुआ था। उसकी बात पर हर्षवर्धन कहते हैं, बेटा मैं कुछ समझा नहीं। अनाया अपने डैड से कहती है, आप सबको तो पता ही है इस धरती पर जो भी जन्म लेता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। ऐसा ही कुछ उद्देश्य लेकर मैंने जन्म लिया था। मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतिम प्रहर में हुआ था और उसके बाद 5 मिनट बाद आयुष का जन्म हुआ था, तब रोहिणी नक्षत्र खत्म हुआ था। मैंने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उस नक्षत्र में लाखों में एक ही इंसान का जन्म होता है और मैंने उस नक्षत्र में जिस समय जन्म लिया था उस समय में 1000 सालों में एक ही इंसान जन्म लेता है और वो भी किसी खास उद्देश्य के कारण। वैसे ही मेरा भी जन्म हुआ है। डैड आपने अपने दादू से हमारे पूर्वजों की कहानी तो सुनी ही होगी ना, कि हमारे पूर्वज कई हजारों सालों से देवों के देव महादेव की सबसे बड़ी अमानत की रक्षा कर रहे है, जिससे इस धरती का संतुलन बना हुआ है। हमारे परिवार में 1000 साल बाद एक रक्षक का जन्म होता है, को अपने साथ कुछ खास शक्तियां लेकर जन्म ले लेता है और उसकी वो सारी शक्तियां उस रक्षक के 18 साल पूर्ण होने के बाद उसको पता चलती है और उसके जन्म का उद्देश्य भी। उसने इतना ही कहा था कि कुछ उससे कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैंने भी ये कहानी दादी और दादू से सुनी थी, जो उनको दादू के पिताजी ने सुनाई थी, पर वो तो सिर्फ एक कहानी है ना। हर्षवर्धन जी अनाया की बातें सुनकर सब समझ गए थे। उनको वो पल याद आया जब राशि जी उम्मीद से थी, तब उनके घर पर अघोरी आए थे जो कि महादेव शिव के सबसे बड़े भक्त थे। वो लोग यूं ही किसी के घर नहीं जाए थे, वो उनके घर तब आए थे जब राशि जी की उम्मीद से होने की खुश खबर मिली थी। उनके वहां आने के बाद राशि ने उनकी बेहद ही मानव भाव से सेवा की थी। किससे? वो सब उससे प्रसन्न होकर उससे कहते हैं, तुम दोनों बेहद ही भाग्यशाली है जो तुम्हारे कोख से इस समस्त ब्राह्मण की रक्षक जन्म लेने वाली ही, उसका अच्छे से ध्यान रखना, वो कोई आम कन्या नहीं है। उसके जन्म के 18 साल होने के बाद उसको उसकी शक्तियों और उसके असली जन्म का कारण पता चल जाएगा। उसके ऊपर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा, पर वो कन्या उस खतरे से हमेशा सकुशल वापस आएगी। इतना कहकर वो लोग वह से बम बम बोले कहकर वहां से चले जाते हैं। वही जैसे उन अगोरियों ने कहा था वैसा ही हुआ और उनके घर में प्रिंसेस आ गई, जो जन्म से ही अपने साथ खास
शक्तियों लेकर आई थी, पर उस वक्त किसी का उस चीज पर ध्यान ही नहीं गया। उस वक्त राशि जी के मौत से सब सदमे में थे और वो सब नगोरियों ने जो कहा था वो भी भूल गए थे। हर्षवर्धन जी अनाया से कहते हैं, इसका मतलब जिस रक्षक को पापा पिछले 18 साल से ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस आप हो। अपने डैड की बात और अनाया अपना सर हमें हिला देती है। वही कुश और अयान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अयाना और हर्षवर्धन जी किस बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी रक्षक? हर्षवर्धन जी अयाना की हाँ सुनकर खुश हो जाते हैं। वो अयाना की तरफ देखकर कहते हैं, प्रिंसेस हम ही भूल गए थे राशि, और मुझे तुम्हारे जन्म से पहले ही महादेव के असीम भक्त अघोरियों ने बताया था कि राशि के कोख से रक्षक जन्म लेना वाला है, पर तुम्हारे जन्म के बाद ही हमने राशि को दिया तो हम सब इस बारे में भूल ही गए थे। और हमारे पास जो किताब थी जिसमें लिख दिए हुए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आज तक के जो भी रक्षक थे वो सारे आदमी ही थी, कोई भी कन्या आज तक रक्षक नहीं थी। इसलिए हम मैं और डैड कब से उसी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे यस रक्षक ने 18 साल पहले ही जन्म के लिए था। जब तुम 3 साल पहले आयुष को लेकर आई थी तो हमें एक उम्मीद मिल गई थी कि वो रक्षक आयुष ही है, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद डैड बेहद ही परेशान रहने लगे थे और वो आज तक उस रक्षक ढूंढ रहे हैं। अयान जो कब से उनकी बातें काफी ध्यान से सुन रहा था वो हर्षवर्धन जी से कहता है, अंकल आप किस बारे में बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये रक्षक का क्या मामला है। अयान की बात सुनकर हर्षवर्धन जी उसको कुछ ऐसा बताते हैं जिस पर विश्वास करना अयान और कुश के लिए कठिन था। कुश और अयान के हर्षवर्धन जी से सवाल करने के बाद हर्षवर्धन जी उन दोनों की तरफ देखकर अपने गंभीर चेहरे के साथ उनसे कहते हैं, तुम दोनों जान ना चाहते हो ना ये रक्षक का क्या सीन है। अयान और कुश अपना सर हां में हिला देते हैं। हर्षवर्धन जी उनको बताने लगते हैं, तुम दोनों को इस बात पर विश्वास करना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर ये सच है। कई वर्षों पहले धरती पर अधर्म का और काली शक्तियों का आतंक बढ़ने लगा था जिससे संपूर्ण जीव जाति संकट में आ गई थी। उसी के साथ काल चक्र में भी असंतुलन हो गया था, बलवान अधिक बलवान होता जा रहा था और गरीब। उसी के साथ दुनिया में असंतुलन बढ़ जाने के कारण धरती पर कई जगह पर भूकंप और सुनामी जैसे प्रकृति के विकराल परिणाम सामने आने लगे थे, जिससे पृथ्वी पर जो जीवन अभी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व संकट में आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी का अंत निकट आ रहा था। इस सब को देखकर उस समय धरा पर अपनी साधना कर रहे ऋषि परमानंद अपने सामने हो रहे पृथ्वी का अंत देख न सके और उन्हें अपनी सारी तपस्या को दाव पर लगाकर भगवान शिव को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। तब ऋषि परमानंद उनको अपने सामने ही रहे इस धरती का अंत रोकने को कहते हैं, जिस पर भगवान शिव अपने चेहरे बड़ी सी मुस्कराहट और तेज के साथ कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा परमानंद, उसी के साथ तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे धानशूर स्वभाव को देखकर मैं तुमको एक बेहद ही मूल्यवान और महाशक्तिशाली हीरा देता हूँ, जिससे तुम जिसे भी गरज होगी उस गरजमंद की मदद कर सकोगे। और ये कोई मामूली हीरा नहीं है, बल्कि इस हीरे में पूरे ब्रह्मांड की आधी शक्तियां सम्मिलित हैं। आज से तुम और तुम्हारे वंशज इस हीरे के रक्षक होगे। इतना कहकर भगवान शिव अपने हाथ आशीर्वाद के लिए ऊपर करते हैं और उनके हाथ में से एक रोशनी सीधा भगवान परमानंद के हाथों पर पड़ती है, जिसमें दुनिया सबसे नाचीज हीरा जिसमें सारे ब्रह्मांड की शक्तियां सम्मिलित है। ऋषि परमानंद भगवान शिव को प्रणाम करके धन्यवाद कहते हैं। भगवान शिव जाते जाते उनसे कहते हैं, भक्त परमानंद, इस हीरे की रक्षा का दायित्व अब से तुम्हारा है, इसे किसी भी गलत हाथों में मत जाने देना। नहीं था अभी जो पृथ्वी का विनाश टल गया है, उस विनाश को आगे कोई नहीं बचा सकता। ध्यान रहना, इस मूल्यवान हीरे के पीछे बेहद सी कली शक्तियां पड़ी है, पर इस हीरे को बस उसका रक्षक ही हाथ लगा पाएगा, उसके अलावा इसे कोई भी छू नहीं पाएगा। अगर किसी ने इसे गलत इंटेंशन से छूने की कोशिश की तो वो वही इस हीरे के ताप से भस्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है तुम इस हीरे का उपयोग मानव कल्याण हेतु ही करोगे। तुमको धीरे इस हीरे के बारे में सब पता चल जाएगा। इसकी रक्षा कैसे करनी है ये सब तुमको खुद ये मूल्यवान हीरा ही बताएगा। इतना कहकर भगवान शिव वहां से गायब जो जाते हैं।
उनके वहां से जाते ही ऋषि परमानंद महादेव की धरोवर उस मूल्यवान और महाशक्तिशाली हीरे को देखते हैं जो कि उनके हाथ में था, जिसमें असीम रोशनी आ रही थी। वो उस हीरे को अपने माथे से लगाते हैं। उनके ऐसे करते ही उस हीरे की रोशनी धीमी हो जाती है और उस हीरे का आकार भी स्मॉल हो जाता है। ऋषि परमानंद उस शक्तिशाली हीरे को अपने स्टोर रिंग में रख देते हैं। जिस दिन से वो महाशक्तिशाली हीरा पृथ्वी पर आया था, उस दिन से धरती पर जो रहे हैं प्रकृति के सारे विनाश कारी आपदा बंद हो गई थी। धरती पर फिर से पहले की तरह शांति समृद्धि हो गई थी। सब हंसी खुशी रहने लगे थे। ऋषि पद्मानंद के पास जो भी समस्या लेकर आते थे, वो सब उनकी उस समस्या को हल कर देते हैं। इसी तरह दिन निकलने लगे। जब दिन से महीनों और महीनों से साल गुजर गए, पता ही नहीं चले। पर एक दिन उस महाशक्तिशाली हीरे के अस्तित्व के बारे में काली शक्तियों को पता चल गया, जिससे सारी कलाएं शक्तियां इकट्ठा होकर उस महाशक्तिशाली हीरे को खोजने लगे थे। पर उनको उस हीरे के बारे में आसानी से पता नहीं चला। पर जब उनको पता चला कि महाशक्तिशाली हीरा इस वक्त ऋषि परमानंद के पास है, जो कि इस वक्त हिमालय में वास्तव कर रहे हैं, तब सारी काली शक्तियां हिमालय की तरफ बढ़ने लगी थी। सारी काली शक्तियां ऋषि परमानंद के समक्ष खड़ी थी और उनसे उस महाशक्तिशाली भगवान शिव की धरोवर यानी कि मूल्यवान हीरे की मांग करने लगी। ऋषि पद्मानंद ने उस हीरे को उनको देने से साफ मना कर दिया था, जिससे ऋषि पद्मानंद और काली शक्तियों के बीच बेहद बड़ा युद्ध शुरू हुआ था। उस युद्ध में ऋषि परमानंद और सकारात्मक शक्ति काली शक्तियों और बारी पड़ रही थी। ऋषि परमानंद और सकारात्मक शक्तियों को खुद पर बारी पड़ता देख काली शक्तियों का लीडर धोखे से ऋषि परमानंद उनके शिष्य और उनकी सहायता कर रही बाकी सारी सकारात्मक शक्तियों को बधी बना लेते हैं और स्वामी परमानंद से उस महाशक्तिशाली हीरे को छीन लेते हैं। पर उनके ऐसे करते ही प्रकृति में बदलाव आने लगता है। तेज हवाएं चल लगती, साथ में पूरा आसमान काले कोहरे में छिप गया था। और इस समय जिसने उस हीरे को छुआ था, वो वही भस्म हो गया था, जिसे देखकर सारी काली शक्तियां डरने लगी थी। डर से वो अपना दो कदम पीछे ले लेती है। स्वामी परमानंद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। ऋषि परमानंद अपने सामने खड़े काली शक्तियों के लीडर से कहते हैं, जिसका नाम कालिया है, कालिया तुम कभी भी इस महाशक्ति हीरे को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इसे छू ही नहीं सकते। छूते ही तुम इस हीरे के ताप से भस्म हो जाओगे। कालिया ऋषि परमानंद की बात सुनकर बेहद ही गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में अनवर अपनी काली शक्तियों से अटैक करता है। ऋषि परमानंद और सकारात्मक शक्तियां इस वक्त काली शक्तियों के कैद में होने के कारण उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी, जिस वजह से ऋषि परमानंद खुद को काली शक्तियों के लीडर से बचा नहीं पाए। वो बेहद ही बुरी तरह से जख्मी ही गए थे। उनको पता था उनके सामने खड़ा काली शक्तियों का सरदार अब उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए ऋषि परमानंद अपनी बची हुई शक्तियों से अपने सामने जमीन पर ईद हुए हीरे को एक रक्षा सूत्री बांध देते हैं। ऋषि पद्मानंद के ऐसा करते ही काली शक्तियों को लीडर ललिता ज्यादा ही बढ़क जाता है और एक ही जाति में सारे सकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देता है। वही ऋषि परमानंद मरने से पहले ही उस महाशक्तिशाली हीरे को रक्षा सूत्र में बांधकर वहां से 1000 सालों के लिए सुरक्षित कर देते हैं। वही ऋषि परमानंद अपनी सारी शक्ति उस महाशक्तिशाली हीरे को सुरक्षित करने में लगा देते हैं, जिससे उनकी शक्तियां काफी कमजोर हो गई थी। उसी का फायदा उठाकर काली शक्तियों का लीडर गुस्से में आकर ऋषि परमानंद को मार देता है और वहां से गायब हो जाता है। पर वो ज्यादा समय तक अपनी मृत्यु से दूर नहीं भाग पाता। उसके सर पर एक महान तपस्वी ऋषि को मरने जा पाप लग गया था और साथ में बेहद सारी मासूम सकारात्मक शक्तियों को मरने जा पाप भी लग चुका था। वही दूसरी तरफ अगले 1000 सालों के लिए वो महान तेजस्वी और महाशक्तिशाली हीरा सुरक्षित धरती के गर्भ में समा गया था। वो हर 1000 साल बाद अपने असली रूप में आ जाता था और उसे उसका रक्षक, जिसे उसने खुद चुना था, वो फिर से उसका शुद्धिकरण करके धरती गर्भ में अपनी शक्तियों से एक अटूट रक्षा कवच बनाकर सुरक्षित कर देता है, जिससे कोई भी उस महाशक्तिशाली शक्ति का गलत इस्तेमाल कर ना पाए। वही पिछले कई हजार दशकों से मित्तल परिवार में एक रक्षक जन्म लेकर अपनी जान की बाजी लगाकर उस दिव्य हीरे की रक्षा करता था, जिससे धरती में संतुलन बना रहे।
इतना बताकर हर्षवर्धन चुप हो जाते हैं और अयान और कुश की तरफ एक नजर देखते हैं, फिर अपनी बेटी की तरफ देख कर कहते हैं, और अब से 45 डेज के बाद महाशक्तिशाली हीरे को धरती के गर्भ में समाये हुए पूरे 1000 साल पूरे हो जाएंगे। और इस बार जब महाशक्ति शक्ति हीरा अपने असली रूप में धरती के गर्भ से बाहर आएगा तब अमावस्या होगी। उस समय काली शक्तियों अपने चरम और होती थी और इस बार भी कई सारी काली शक्तियां उस दिव्य महाशक्ति शाली हीरे को हड़पने के लिए अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी प्रिंसेस की तरफ देखकर कहते हैं, प्रिंसेस इस बार आपके हाथ में है, सब आपको महादेव की दरोवर ब्राह्मण की आधी शक्ति जिसमें समाई हुई है उस दिव्य हीरे की रक्षा करनी है, और इस बार तो काली शक्तियां अपने चरम पर होगी। अपने डैड की बात सुनकर अनाया कहती है, डैड अगर इस बार उस महाशक्ति ने मुझे खुद के राक्षस के तौर पर चुना है तो कुछ सोचकर ही चुना होगा ना, सब सही होगा, भगवान पर भरोसा रखो। अयान और कुश हर्षवर्धन जी ने अभी जो भी उनसे कहा था उसको सुनकर अपनी जी सोच में गुम थे। वो दोनों ही अपनी अपनी सोच से बाहर अनाया की बातों से आते हैं। अयान हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहता है, अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसकी बात और हर्षवर्धन जी कहते हैं, हाँ पूछे बेटा, क्या पूछना है आपको। अयान हर्षवर्धन जी से कहता है, अंकल उस रक्षक के सहायता के लिए भी कोई होगा ना, क्या वो रक्षक अकेले ही उस महाशक्तिशाली हीरे की रक्षा करता है, उसके तो इतने सारे दुश्मन है, वो रक्षक के पास माना की शक्ति अभाव पर उसको तो उस हीरे की रक्षा करके उसे सेफली फिर से धरती के गर्भ में एक सुरक्षित जगह पर पूरे विधि विधान से गायब करना है ना। उसकी बात पर हेतश्वरधन जी अयान की तरफ देखकर कहते हैं, अयान बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस रक्षक की सारी शक्तियां उस महाशक्तिशाली हीरे को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित करने में ही चली जाती थी, उसके बाद वो बेहद कमजोर हो जाता है, इसलिए उसकी रक्षा के लिए भी कोई ना कोई होगा। मुने इस बारे में ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, इस सब के बारे में हूँ डैड से ही पता चलेगा। उनकी बात पर कुछ कहता है, तो छोटे पापा फिर देर किस बात की, हम दादू से इस बारे में पूछते हैं, और वैसे भी हम उनको बताना भी तो है, वो जिस रक्षक को फंड रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारी प्रिंसेस ही है, तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।